सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप सब देख रहे हैं एमजी डॉक्स। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि अब समर्स आ गए हैं यानी कि गर्मी आ गई है, तो हम तो आइसक्रीम्स वगैरह, ठंडी काफ़ी सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं। एंड हमारे डॉग्स का क्या, उनको भी गर्मी लगती है बट हम उनको आइसक्रीम्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें, शेक्स वगैरह, ये सब तो हम अपने डॉग को नहीं दे सकते हैं ना। सो डॉग के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि आप डॉग्स को कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं दे सकते हैं, बिकॉज कई सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो डॉग के लिए हार्मफुल होते हैं, वो डॉग्स को नहीं देना चाहिए। तो मैं आज को आपको यही बताने वाली हूँ कुछ फ्रूट्स हैं जो आप दे सकते हैं, एंड इसमें जितने फ्रूट्स मैं कवर कर पाऊँगी वीडियो में वो करूँगी। एंड अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो सबसे पहले फ्रूट का बात करते हैं। सबसे पहला जो नंबर वन हमारा फ्रूट है जो आपको आपके डॉग को देना चाहिए वो है एप्पल। सो या गाइस, एप्पल है हमारा जो फ्रूट, वो आप अपने डॉग को दे सकते हैं। बट जो एप्पल के सीड होते हैं, जो उसके अंदर दो सीड्स आते हैं, वो आपको दो नहीं और भी आते हैं, वो जो सीड्स आते हैं वो आपको आपके डॉग को नहीं देने, एंड वो आपको आपके डॉग को भूल से भी नहीं देने, बिकॉज वो आपके डॉग के स्टमक को ख़राब कर सकते हैं। एंड सेकंड जो फ्रूट है वो है हमारा बनाना, जो कि आप अपने डॉग को दे सकते हैं। एंड हाँ, कई लोग क्या करते हैं, बनाना पूरा दे देते हैं और भी बहुत सारे फ्रूट्स अपने डॉग को पूरे दे देते हैं, बट आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको फ्रूट्स पूरे नहीं देने हैं, आप फ्रूट्स जो भी है वो थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपके डॉग को दें। बनाना की भी जो स्किन होती है वो आपको आपके डॉग को नहीं देनी है, वो भी मतलब जो भी फ्रूट्स मैं बताऊँगी उसके सीड्स भी नहीं देने हैं, कुछ जो स्किन वाले फ्रूट हैं उनके स्किन भी नहीं देनी है। सो एंड हम थर्ड फ्रूट की बात करते हैं। हमारा थर्ड फ्रूट है जो कि है मैंगो, जो कि हम लोग ह्यूमंस बहुत ही चाव से खाते हैं समर्स में। सो अब आपको मैं बताती हूँ, जो मैंगो है वो आपको आपके डॉग को देना है, उसकी भी आपको स्किन नहीं देनी है। एंड अब नेक्स्ट फ्रूट की बात करते हैं जो कि है हमारा मैंगो, एंड मैंगो के जो अंदर का बस जूसी पार्ट आता है वो ही आपको देना है, बाहर की मैंगो की स्किन नहीं देनी है। एंड मैंगो के जो जूसी पार्ट के बीच बीच में सीड्स निकलते हैं आपको वो भी नहीं देने हैं। एंड अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रूट की, जो कि हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रूट है जो कि है वाटरमेलन। एंड ये इसमें जूसी होता है बहुत ज़्यादा, ये वाटर का ही होता है, इसमें ओनली वाटर होता है, तो ये आप आपके डॉग को आसानी से दे सकते हैं। एंड वाटरमेलन के भी आपको सीड्स नहीं देने हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस सारे फ्रूट्स में से सबसे ज़्यादा डेंजरस जिसके सीड्स होते हैं वो होते हैं एप्पल के, वो आपको भूल से भी नहीं देने हैं। एंड जो वाटरमेलन में ना बहुत सारे बीच बीच में सीड्स होते हैं, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके पूरा वाटरमेलन चेक करके आपको फिर डॉग को देना है। एंड गाइस, आज की वीडियो में हमारे यही थे कुछ 5 फ्रूट्स। एंड अगर आपको और भी फ्रूट्स आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए होगा तो मैं ज़रूर लाऊंगी एंड आपको पार्ट टू मिल जाएगा। एंड हम बात करते हैं कि हमारी ये 5 फ्रूट्स आपको देने चाहिए या नहीं देना चाहिए, 5-4 फ्रूट्स आप आपके डॉग को दे सकते हैं। एंड सो गाइस, यही थे हमारे 5 फ्रूट्स, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। एंड गाइस, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है एमजी स्पेशल ब्लॉग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। एंड सो गाइस, यही थी मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।